अगर आप लोग साबूदाना की खिचड़ी बनाना चाहते हैं और वो भी बहुत इजी तरीके से और भी चटपटा, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और रेसिपी अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल का आप लोग सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे साबूदाना, और ये साबूदाना है अच्छे से फ्रेश होना चाहिए। अब इसको हम धुल लेंगे, कम से कम 2-3 पानी से इसको धुलेंगे। अभी मैं इसको 2-3 पानी धुल करके दिखा रही हूँ। तो देखिए हमने 2-3 बार इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब इसको ऐसे ही ढक करके रख देंगे, एक प्लेट लेंगे उसे ढक करके अब इसे छोड़ देंगे। अब इधर हमने आलूओं को काट लिया है, तो छील करके आलूओं को इस तरह से पतले पतले पीस में काट लेंगे। इसका मतलब मोटा पीस नहीं काटेंगे, पतला ही काटेंगे, जिस तरह देखिए हमने काटा हुआ है, क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं इसको तलने के लिए। कढ़ाई रखेंगे, हमने तेल भी ले लिया है, और ये तेल हमने मूँगफली का लिया हुआ है, आप लोग इसकी जगह पर घी भी ले सकते हैं। अब इसके बाद इसे मूँगफली के दाने को मैं पहले फ्राई कर लूँगी। आप लोग थोड़े तेल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मैं इसी तेल में मैंने चिप्स फ्राई किया था, तो मैं इसी में फ्राई कर ले रही हूँ। अब इसके बाद देखिए मूँगफली के दाने को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। अब इसके बाद जो आलूओं को मैंने काट के रखा हुआ है उसको फ्राई कर लूँगी। इनको फ्राई करने में लगभग 2 मिनट ज़रूर लग जाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छे से कुक करना है। फ्राई करते वक्त इसको अच्छे से पका लेना है। तो पहले चेक कर ले लेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आलू है अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अगर मोटे पीस काटेंगे तो जल्दी कुक नहीं होगा, पतले पतले पीस काटें और ये जल्दी से कुक हो जाता है। अब सभी आलूओं को मैं इस तरह से प्लेट में निकाल लूँगी। अब चलते हैं दूसरी कढ़ाई लेते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे पहले जीरा। अब इसके बाद जीरा तड़क जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे बारीक हरा मिर्चा। बारीक काट लिए हैं इसको, फिर डाल दिए हैं। इसके बाद जब मिर्चा तड़क जाएगा तब इसमें डाल देंगे टमाटर। तो हमने 3 टमाटर लिए हुए हैं और इनको मैं बारीक काट ली हूँ। अब इनको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, तो पहले इसको थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी तब इसको भूनूँगी, जिससे जो टमाटर है ना जल्दी से गल जाएंगे। जब टमाटर गल जाएंगे तब इसमें हम डाल देंगे मसाला। तो व्रत का मसाला है, अगर आप लोगों को बनाना होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगी। अब इन मसालों को भी मैं अच्छे से भून लूंगी। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने मसाले को अच्छे से टमाटर के साथ भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो भीगे हुए साबूदाने थे उसको। तो अच्छे से भीग गए हैं, फिर भी मतलब अच्छे से नहीं भीगा है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और पानी डाल करके रख देंगे तो अच्छे से भीग जाएगा। तो मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं भिगाई हूँ, और इसको मैं इसी में पका लूँगी। अगर ज़्यादा आपको भिगा देंगे और थोड़ा सा समय से मतलब भिगाने में लगा देंगे तो ये जो साबूदाने हैं ना खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। तो मुझे थोड़ा जल्दी है इसीलिए मैं इसको तुरंत बना दे रही हूँ। अब इसको बाद इन सबों को मैं अच्छे से भून करके ढक दूँगी, जिससे जो मसालों के साथ अच्छे साबूदाने हमारे पक जाएँ। अब इसके बाद मैं देख ले रही हूँ, अब फिर इसको मैं चला दूँगी। अभी थोड़ा चिपक रहा है क्योंकि ज़्यादा देर तो भिगोए नहीं थे हम। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, क्योंकि साबूदाने मेरे अच्छे से भीगे नहीं हैं, तो पानी डाल के मुझे पकाना पड़ेगा इसमें। अब थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको अच्छे से पका लूंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा ढकूंगी, एक उबाल इसमें लाना है, तो
तो ढक करके मैं जल्दी से इसमें उबाल ला रही हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी एक मिनट हो चुके हैं और इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा चला लूँगी और चलाने के बाद मैं इसमें जो मूँगफली के दाने मैंने भून के रखे हुए इसको डाल दूँगी और आलू जो फ्राई किए हैं उसको मैं डाल दूँगी। अब मैं इसको चला लूँगी अच्छे से, इन सबको मिला देना है। और जो मूँगफली के दाने, आलू, साबुदाना मसाला जो भी है एक साथ इसको पकाना है। तो इसको मैं अब ढक दूँगी और एकदम जो गैस का फ्लेम है एकदम लो कर देना है। अब मैं इसको ढकूँगी कम से कम 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट हो चुके हैं, फिर मैं देख ले रही हूँ। अब लोग देख पा रहे हैं साबुदाने अच्छे से पक गए हैं और ये जो थोड़ा ग्रेवी है ये ग्रेवी अभी जब सूखेगा, जो साबुदाना जब ठंडा होगा तभी हट जाएगा, ग्रेवी कम हो जाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ और ये साबुदाना सूख गए, मतलब ठंडे हो चुके हैं, अब इस तरह से हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आप लोग अब तक बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।